नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी किचन पंक्ति में। आज मैं आपके साथ शेयर करने लाई हूँ नमकीन की रेसिपी। शकरकंद की नमकीन, इसे बनाना बहुत आसान है और चटपटा रहता है। ठंड के सीज़न में शकरकंद भर भर के मार्केट में आती है, तब आप इस तरह का नमकीन बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, सफ़र में भी इसे ले सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शकरकंद की नमकीन बनाने के लिए मैंने यहाँ ये दो शकरकंद लिए हैं और उसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। इसमें धूल मिट्टी लगी होती है, इसलिए आप अच्छे से धो लें और इसका स्किन हम लोग नहीं निकालेंगे, इसी तरह इस्तेमाल करेंगे। इसका जो किनारा है उसे पहले काट लेंगे, नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों इस तरह काट के पहले निकाल लेंगे। अब एक बर्तन लेंगे और उसमें एक गिलास के करीब पानी डाल लेंगे और इस तरह का कोई भी ग्रेटर लेंगे और जो मोटे वाला हिस्सा होता है उसी से अपने शकरकंद को कद्दूकस करेंगे। इस तरह सारे को कद्दूकस करने के बाद अब हम लोग इसको 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे, जब तक कि अच्छे से साफ़ पानी नहीं छोड़ देता तब तक इसे धोएंगे। 3 से 4 बार धोने के बाद देखिए इसका पानी पूरी तरह साफ़ हो गया है। अब इसे अच्छे से इस तरह निचोड़ लेंगे और एक छन्नी में पकड़ लेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो अच्छे से निकल जाए। निचोड़ कर छन्नी में रखने के बाद अब हम लोग इस तरह का कोई भी एक साफ़ कपड़ा लेंगे और उसको इसमें अच्छे से फैला लेंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा सूख जाए। इसे सुखाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हमारे नमकीन क्रिस्पी बनेंगे। 10 मिनट के बाद देखिए कितना अच्छे से सूख गया है, 5 से 10 मिनट ही लगते हैं इसे सूखने में। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। मैंने एक पेन पे तेल गरम कर लिया है, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसमें अपना कद्दूकस किया हुआ शकरकंद डालेंगे और उसे चला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई में ही रखें, बीच बीच में इसे चलाते हुए क्रिस्प होने तक भून लेंगे। देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, ये ब्राउन दिखने लगा है। अब इस समय ये पूरी तरह हो चुका है, अब इसे छान कर निकाल लेंगे। इस तरह जब गोल्डन ब्राउन हो तब आप इसे छाने, देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब इसे एक बर्तन में पकड़ लेंगे और इसी तरह बाकी सभी को छानेंगे। बाकी बचे हुए शकरकंद को भी मैंने डाल लिया है। आप हाई फ्लेम में ही करें, लो फ्लेम बिल्कुल भी ना करें वरना ये तेल पी लेगी। अब इसे लगातार इस तरह बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। वेज भी हमारा हो गया है, ये ब्राउन दिखने लगा है। अब इसी समय इसमें हम लोग थोड़ा सा धनिया डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीब, साथ ही 1/2 चम्मच सौंफ डाल देंगे, कुछ कड़ी के पत्ते डाल देंगे और साथ में इसे भूनकर निकाल लेंगे। देखो मैंने छन्नी में निकाल लिया है। अब इसी समय हम लोग अपना जो छन्नी है उसे इसमें डालेंगे और इसमें थोड़ा सा बादाम डाल देंगे, सा काजू डाल देंगे और इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ये भी हमारा भुन गया। अब इस सारी चीज़ों को एक बर्तन में पकड़ेंगे, सारी चीज़ों को मैंने एक बर्तन में पकड़ लिया है। अब इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे जिससे कि हमारी नमकीन बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। देखिए मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1/4 चम्मच, 1/2 चम्मच तीखी वाली मिर्च है, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ मैंने स्वाद के अनुसार नमक लिया है। इन सारे मसालों को इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी शकरकंद की नमकीन बनके तैयार है। आप भी इस तरह घर में एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बनाएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।